जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वो सदा तृप्त रहेंगे, किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति ये आशिक की विशेषता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है, अगर तृप्ति नहीं तो अवश्य प्राप्ति नहीं करेगी, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में जरूर कमी है। तो तीन निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और प्राप्ति से तृप्ति, सदा तृप्त आत्मा। जैसा भी समय हो, जैसे भी वायुमंडल हो और जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा में संगठन के साथी हो, लेकिन हर हालत में, हर चाल में तक ऐसे सत्य आर्थिक होना, तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत मेहनती रहती है, कोई न कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती, भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता है। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है वो तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भी भूख है। कौन सी होती है? मन की भूख, शान, मान, सेलिब्रेशन, साधन, ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। कौन कौन सी बातों से? मान, शान, सेलिब्रेशन, साधन आदि सबसे संतुष्ट हो। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर सब आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा, मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहे, असंतुष्टता रहती। जो रायल होते हैं वो थोड़े में तृप्त होती, रायल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर हो। एक रोटी में भी तृप्त है तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की उनकी भूख है। सत्य आशिक की निशानी सदा तृप्त आती।